हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे तपस्विनी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म का और भक्ति का आदर करने के लिए सुदर्शन रुक गया, परंतु सुदर्शन चक्र को रोकने हेतु तुमने अपना तपोबल शून्य कर लिया। किसके लिए अपना तपोबल गवाया तुमने? इन असुरों के लिए, इन अनाचारियों के लिए, इन अधर्मियों के लिए, इन आतताइयों के लिए। हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु। हे सृष्टि पालक, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो। हे सृष्टि नायक, आपकी चेतावनी के उपरांत भी महर्षि भृगु के आश्रम ने असुरों को आश्रय दिया है। हे प्रभु, हमारी विवशता और हमारी मर्यादा का उपहास उड़ाया जा रहा है। प्रभु, यदि असुरों को दंड नहीं दिया गया तो सृष्टि की रचना सदा के लिए रुक जाएगी। प्रभु, हे प्रभु, देवता दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाएंगे। असुरों के माध्यम से अधर्म, अनीति, अनाचार प्रबल हो जाएंगे। प्रभु, प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, भक्तों की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, भक्तों की रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। विष्णु का सुदर्शन चक्र। हाँ, माता हमारी रक्षा करो, 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 माता हमारी रक्षा करो। माता, सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता, महर्षि भृगु के आश्रम में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो वत्स। वहीं रुक जाओ सुदर्शन। मैं महर्षि भृगु की धर्म पत्नी तुम्हें आदेश दे रही हूँ, वहीं रुक जाओ। यदि मैंने अपने पत्नी धर्म, माता धर्म, गुरु माता धर्म का मन, वाणी और कर्म से पालन किया है, यदि मैंने लक्ष्मीपति श्री विष्णु की निस्वार्थ और निरपेक्ष भक्ति की है, तो हे सुदर्शन रुक जाओ।
हे तपस्विनी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म का और भक्ति का आदर करने के लिए सुदर्शन रुक गया, परंतु सुदर्शन चक्र को रोकने हेतु तुमने अपना तपोबल शून्य कर लिया। किसके लिए अपना तपोबल गवाया तुमने? इन असुरों के लिए, इन अनाचारियों के लिए, इन अधर्मियों के लिए, इन आतताइयों के लिए? कितने पुण्य व्रत किए होंगे तुमने, कितनी भक्ति की होगी, अपने धर्मों का कितनी सत्यता से, कितनी दृढ़ता से, कितनी तन्मयता से पालन किया होगा, कितनी अग्नि परीक्षाएं दी होंगी तपस्विनी तुमने, और उस परिश्रम द्वारा अर्जित की हुई शक्ति, पाए हुए वरदानों का फल लुटा दिया उन लुटेरों को बचाने के लिए, उन पापियों की रक्षा के लिए जो विनाश के सिवा कुछ जानते ही नहीं। यदि दूसरे आश्रमों ने भी धर्म का यही अर्थ मानकर असुरों को शरण देना आरंभ कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तप, दान, यज्ञ सब नष्ट हो जाएंगे, शुभ कहीं दिखाई ही नहीं देगा, पुण्य का नाम भी नहीं लेगा कोई। यदि मेरी बात समझ रही हो देवी तो मुझे बताओ, क्या तुम सत्य का पक्ष ले रही हो? क्या तुम धर्म का पक्ष ले रही हो? क्या तुम सचमुच धर्म के मार्ग पर हो अथवा अधर्म के मार्ग पर? आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है प्रभु। तो फिर छोड़ दो सब, त्याग दो सारे धर्मों को और मेरी शरण में आ जाओ। मैं सारे धर्मों से परे हूं, मैं तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगा देवी, हर पाप से मुक्त कर दूंगा तुम्हें, हर पाप से मुक्त कर दूंगा। प्रभु, आप तो जीवन और मृत्यु से भी परे हैं, संपूर्ण जगत का मूल कारण है आप, सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा है, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत आप ही हैं प्रभु। हाँ, मैं इंद्रियों में मन हूं और मूल प्राणियों की जीवन शक्ति हूं, आठ वसुओं में अग्नि हूं, शब्दों में ओंकार हूं, सप्तऋषियों में मैं महर्षि भृगु हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तो आप सुदर्शन चक्र के मार्ग से हट जाइए। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? मैं जानती हूँ आपके सुदर्शन के मार्ग से हट जाना आपके परम धाम पहुँचने के मार्ग से हट जाना है प्रभु, और मैं अपनी मुक्ति के मार्ग से हटना नहीं चाहती प्रभु। प्रभु, यदि आपके हाथों मृत्यु आई तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। हे कल्याणी, तुम्हीं ने मेरे सुदर्शन चक्र को रोका है, अब तुम स्वयं इसे अपनी शपथ से मुक्त कर दो। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। हे प्रभु, जब आप मेरी आत्मा को इस नश्वर शरीर के बंधन से मुक्त करके अपने परम धाम में आश्रय देंगे, तब आपका सुदर्शन चक्र मेरी शपथ से मुक्त हो जाएगा। हे भक्तों के भक्त, इस समय सुदर्शन चक्र की नहीं आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है प्रभु। क्या आप अपने भक्त की विनती को स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु? Thank you.
मेरी विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तुम धन्य हो तपस्विनी, तुम धन्य हो।